हाय गाइस, वेलकम टू एन वीडियो ऑफ बैटल स्काई। गाइस, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको टॉप 5 बेस्ट बैटल रॉयल गेम के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपको काफ़ी हद तक पबजी और फ्री फायर जैसे ही देखने को मिलेंगे। भाई, इन गेम के अंदर आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अगर आप इन गेम को प्ले करते तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पबजी और फ्री फायर नहीं कह रहे। भाई, काफ़ी तगड़े गेम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इन सभी गेम के अंदर आपको काफ़ी अच्छा बैटल रॉयल मोड भी देखने को मिल जाएगा। और इनमें सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे फीचर भी देखने को मिलेंगे इन गेम के अंदर के, जो कि आपको पबजी और फ्री फायर में भी देखने को नहीं मिलते। तो भाई, गेम काफ़ी शानदार रहने वाले हैं। बाकी भाई, सभी गेम के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस तो देखने को मिल ही जाएगा, साथ में आपको कंट्रोल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इतनी सभी गेम्स आपको लो एंड डिवाइसेस में भी रन कर जाएंगे, तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो काफ़ी तगड़े गेम रहने वाले हैं, और शायद आपने इन गेम के बारे में पहले सुना भी ना हो। तो भाई, गेम काफ़ी तगड़े रहने वाले हैं। सभी गेम के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाकर सभी गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, में फर्स्ट पोजीशन पर गेम आता है ना, इस गेम का नाम है सर्वाइवर रॉयल। इस गेम का साइज आपको 1 GB के आसपास देखने को मिल जाता है। बाकी भाई, गेम काफ़ी शानदार रहने वाला है, और गेम के साइज के हिसाब से इस गेम के अंदर आपको काफ़ी अच्छे ग्राफिक भी देखने को मिल जाते हैं। एक बड़ा सा मैप देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको स्टार्टिंग में एक अच्छी सी जगह पर लैंड होना पड़ता है, यहाँ पर आपको अच्छी लूट मिल जाए। इसके बाद लूट करने के बाद डिफरेंट वेपन्स को उड़ाने के बाद आपको फाइट करनी होती है। बाकी भाई, आपको एंड तक सर्वाइव करना होता है। इस गेम में भी वैसे ही और 100 प्लेयर देखने को मिल जाते हैं। बाकी इस गेम के अंदर आपको सोलो भी प्ले कर सकते हो, स्क्वायर भी और डू भी, जैसे कि पबजी और फ्री फायर में देखने को मिल जाता है, वैसे इस गेम के अंदर भी देखने को मिल जाता है, और डिफरेंट स्किन्स भी देखने को मिल जाती हैं। तो भाई, गेम काफ़ी तगड़ा है और काफ़ी मज़ेदार है। गेम के कंट्रोल में तो आपको भाई कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जैसे कि आप स्क्रीन पर देखते हो, काफ़ी अच्छे ग्राफिक भी इस गेम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो भाई, गेम काफ़ी तगड़ा है, और एक बड़ा ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिल जाता है, और साथ में आपको इस गेम के अंदर डिफरेंट किस्म की व्हीकल भी देखने को मिल जाती हैं। तो भाई, इस गेम के अंदर आपको काफ़ी मज़ा आएगा अगर आप इस गेम को प्ले करते हो। बाकी एक अच्छा पेट्रोल गेम रहने वाला है। बाकी आप इस गेम को चेकआउट कर लो, और मुझे मैसेज में लाजमी बताना कि भाई इस गेम के बारे में, यानी कि आपकी क्या राय है, आपको ये वाला गेम कैसा लगा। दोस्तों, इसमें सेकंड पोजीशन पर गेम आता है, इस गेम का नाम है सर्वाइवल स्क्वायर। इस गेम का साइज आपको जस्ट 287 MB के आसपास देखने को मिलेगा। भाई, इस गेम का साइज काफ़ी कम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस गेम के अंदर आपको काफ़ी अच्छे ग्राफिक तो देखने को मिल जाते हैं, बाकी आपको एक बड़ा ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिलता है। इस गेम के जो ग्राफिक है ना, आपको काफ़ी हद तक पबजी जैसे देखने को मिल जाते हैं। बाकी वैसे ही आपको पबजी और फ्री फायर जैसी गन्ने देखने को मिल जाती हैं इस गेम के अंदर भी। बाकी भाई, गेम काफ़ी तगड़े और डिफरेंट किस्म की व्हीकल भी देखने को मिल जाती हैं। इनको भाई आप ड्राइव करके एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली पहुंच सकते हो। बाकी जोन इस गेम के अंदर भी आपको बनता है, और जैसे कि पबजी में एक जगह कैनियन है, वैसे इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि बिल्कुल ही आपको पबजी और फ्री फायर जैसा देखने को मिल जाता है। बाकी भाई, इस गेम के अंदर आपको काफ़ी हद तक अपने करेक्टर को भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो भाई, काफ़ी अच्छा पेट्रोल गेम देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं 98 भी चला रहा था, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था इस गेम के अंदर प्ले करने में इस गेम को। तो भाई, गेम काफ़ी अच्छा है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इस गेम को सिलेक्ट कर लिया। बाकी भाई, इस गेम के अंदर आपको 17 प्लेयर का मैच देखने को मिल जाता है, यानी कि 17 प्लेयर के साथ आप इस गेम के अंदर प्ले कर सकते हो, तो एक अच्छा बैटल मोड देखने को मिल जाता है। तो भाई, आप इस गेम को अगर ट्राई करते हो तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो, कंट्रोल को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको कंट्रोल में, तो गेम काफ़ी अच्छा है। भाई, आप इस गेम को भी ज़रूर ट्राई करना। बाकी थोड़ा सा आप इस गेम का भी गेम प्ले चेकआउट कर लो। दोस्तों, इसमें थर्ड पोजीशन पर गेम आता है, इस गेम का नाम है नाइव्स आउट एयर। इस गेम पर शायद आपको 1.6 GB के आसपास देखने को मिल जाता है। बाकी भाई, ये वाला गेम भी काफ़ी अच्छा पेट्रोल गेम देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस गेम के अंदर आपको काफ़ी बड़ा मैप देखने को मिलता है, और साथ में इस गेम के जो ग्राफिक्स है ना, काफ़ी हद तक आपको फ्री फायर और पबजी जैसे ही देखने को मिल जाते हैं। लेकिन भाई, गेम का साइज काफ़ी है, तो भाई इस गेम के अंदर आपको काफ़ी बड़ा मैप देखने को मिल जाता है, और गेम के अंदर आपको काफ़ी हद तक डिटेलिंग ग्राफिक देखने को मिल जाते हैं, यानी कि इस गेम के आपको काफ़ी अच्छे ग्राफिक देखने को मिल जाते हैं। तो भाई, अगर आप इस गेम को प्ले करते हो, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। बाकी भाई, गेम काफ़ी तगड़ा, और अपने दोस्तों के साथ इस गेम को भी प्ले कर सकते हो। मल्टीप्लेयर रहने वाला है, तो इस गेम के अंदर भी आपको डिफरेंट किस्म की व्हीकल वगैरह देखने को मिल जाएंगी, इनको भाई आप ड्राइव कर सकते हो। तो भाई, काफ़ी तगड़ा गेम है, और आपको कंट्रोल में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस गेम के अंदर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। भाई, काफ़ी तगड़ा गेम है, और काफ़ी बड़ा मैप देखने को मिल जाता है, तो भाई आप एनिमीज के साथ फाइट कर सकते हो।
बाकी जोन भी बनता है इस गेम के अंदर, तो भाई काफी तगड़ा है। बाकी आप इस गेम का भी गेम प्ले चेकआउट कर लो, और हाँ मुझे एक मैसेज में लाजमी बताना कि भाई ये वाला गेम आपको कैसा लगा। दोस्तों इसमें फोर पोजिशन पर गेम आता है, इस गेम का नाम है स्कारफॉल, और इस गेम का साइज आपको 380 MB के आसपास देखने को मिलेगा। भाई अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है तो भाई आप इस गेम को जरूर ट्राई करेगा, क्योंकि भाई इस गेम के अंदर आपको काफ़ी अच्छे ग्राफिक देखने को मिल जाते हैं 380 MB में। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के वेपन्स के साथ आप फाइट ले सकते हो, तो भाई काफ़ी तगड़ा गेम रहने वाला है। बाकी भाई इस गेम को जब मैंने प्ले किया ना, पहली बार मैंने काफ़ी किल किए, मेरे को काफ़ी मज़ा आया इस गेम को प्ले करने में। बाकी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं अपनी टीममेट्स के साथ खेल रहा था, मेरे को काफ़ी मज़ा। और इस गेम के जो ग्राफिक है ना, आप काफी हद तक ज्यादातर आपको जैसे कि फ्री फायर में देखने को मिल जाते हैं वैसे ही ग्राफिक देखने को मिलेंगे, कंट्रोल भी वैसे ही देखने को मिल जाते हैं। बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लेकिन भाई कंट्रोल को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, और डिफरेंट किस्म के अपने करेक्टर को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो काफी तगड़ा गेम है, पबजी से भी काफी रिलेटेड करता है, और गेम भी काफी मजेदार है, मेरे को काफी अच्छा लगा। भाई आप इस गेम के अंदर आपको रिक्वायर वगैरह भी देखने को मिल जाती है जैसे पबजी में देखने को मिल जाती है, तो भाई गेम काफी तगड़ा रहने वाला है, मेरे को काफी अच्छा लगा। आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि भाई ये वाला गेम आपको कैसा लगा। बाकी भाई आप इस गेम का भी गेम प्ले थोड़ा सा चेकआउट कर लो। दोस्तों इसमें 5 पोजीशन पर गेम आता है, इस गेम का नाम है क्रॉस फायर लेजेंड। इस गेम का साइज आपको 740 MB के आसपास देखने को मिलेगा, और कि भाई इस गेम के अंदर आपको काफ़ी अच्छा TDM देखने को मिलेगा, लेकिन आपको काफ़ी हद तक अलग अलग लोकेशन देखने को मिल जाएंगी इस गेम के अंदर, उनके साथ आपको फाइट करनी होगी बंदों के साथ, और काफ़ी मज़ा आएगा अगर आप इस गेम को प्ले करते हो। बाकी भाई इस गेम के अंदर आपको काफ़ी हद तक कवर फाइट ले सकते हो, यानी कि आपको अलग अलग बिल्डिंग वगैरह देखने को मिलेंगी, बाकी आप अपने हिसाब से गन्स वगैरह को भी सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी गेम के अंदर आपको काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगा, अगर आप इस गेम को एयरफोन लगा के प्ले कर सकते हो तो भाई आपको काफी मजा आने वाला है। बाकी भाई इस गेम के अंदर आपको काफी हद तक अपने दोस्तों के साथ यानी कि टीडीएम वगैरह भी प्ले कर सकते हो, भाई बाकी काफी मजा आने वाला है अगर आप इस गेम को प्ले करते हो। ग्राफिक इस गेम के भी काफी अच्छे हैं, और डिफरेंट किस्म के वेपन देखने को मिल जाते हैं जैसे पबजी और फ्री फायर में देखने को मिल जाते हैं, तो भाई वैसे ये वाला गेम रहने वाला है। बाकी काफी तगड़ा गेम है, इस गेम को भी आप जरूर ट्राई करना, और हाँ मुझे मेंशन में लाजमी बताना कि भाई ये वाला गेम भी आपको कैसा लगा। और एंड पे भाई रिक्वेस्ट चाहिए, अगर आपको कोई भी गेम अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि भाई सबसे ज़्यादा आपको कौन से वाला गेम अच्छा लगा। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करना, ताकि आपको ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी गेमिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना।